दोस्तों एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो करंट अफेयर्स की बेहतरीन जानकारी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के समन्वय का प्रमुख बनाया गया है? मानवीय मामले, ध्यान रखना दोस्तों, मानवीय मामले ये यूएनओ का ही विभाग है, उसके अंदर इनको प्रमुख बनाया गया। इनका नाम है मार्टिन ग्रिफ्स, याद रखें इनका नाम है मार्टिन ग्रिफ्स, इसको इसका प्रमुख बनाया गया। ये यूएनओ का एक भाग है जो मानवीय मामलों के लिए काम करता है। इसको ओसीएचए के नाम से भी जाना जाता है, ओसीएचए के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। स्थापना हुई थी इसकी 1991 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और जिनेवा बेस्ड इसका मुख्यालय, याद रखना। मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्स, याद रखना मार्टिन ग्रिफ्स, राइट, ओसीएचए के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये यूएनओ का ही एक विभाग है, राइट। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के तहत पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने वाला चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जल जीवन मिशन ये कार्यक्रम था दोस्तों जो 2019 में शुरू हुआ था, मतलब 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। मतलब पाइप के जरिए जल पहुंचाया जाएगा और ग्रामीण इलाकों को या शहर के प्रत्येक इलाकों तक पाइप से जरिए जल पहुंचाने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था। और ये जो लक्ष्य है दोस्तों, ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने एक बताया था पंजाब राज्य, हर घर सफाई हर घर जल, तो वो भी एक इसके अंदर, वो भी मिशन भी इसके अंदर आता है, जल जीवन मिशन। याद रखना चौथा राज्य है आपका पुंडुचेरी, चौथा राज्य ये पुंडुचेरी जिसने 100% लक्ष्य हासिल किया है, 100% लक्ष्य हासिल किया है। अब इसमें अगर मैं पहले राज्य की बात करूं तो इसमें पहले नंबर पर है गोवा, दूसरे पर है तेलंगाना, तीसरे पर है अंडमान निकोबार और चौथे पर है पुंडुचेरी। याद रखिएगा पुंडुचेरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसने जो पौंडीचेरी है, इस पौंडीचेरी ने 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है, 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य इसने हासिल किया है। और पहले नंबर पे गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, चौथे पे पुंडुचेरी। और इसका लक्ष्य दोस्तों 2024 तक हर ग्रामीण के घर सुरक्षित नल का पानी, सुरक्षित नल का पानी मतलब पाइपलाइन के जरिए पानी, ध्यान रखना पाइपलाइन के जरिए पानी, राइट दोस्तों, याद रखिएगा पाइपलाइन के जरिए पानी, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और केंद्र सरकार ने जो इसमें घोषणा करी थी दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी इसकी 2019 में, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा करी थी, राइट, ध्यान रखना इसकी घोषणा करी थी। तो कौन सा राज्य दोस्तों? पुंडुचेरी। नेक्स्ट देखिए, बीपीसीएल का नया सीएमडी किसे बनाया गया है? सीएमडी दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में आपको मिलेगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, गवर्नमेंट में मिलेगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखना दोस्तों, राइट। और इसके बनाया गया है अरुण कुमार को, यह बनाया गया है अरुण कुमार को। और जो बीपीसीएल है दोस्तों, ये आपकी एक मारथन कंपनी है, ध्यान रखना दोस्तों, ये है आपकी एक मारथन कंपनी, मारथन कंपनी, पहले नवरत्न थी लेकिन अब इसको 2017 में मारथन कंपनी का दर्जा दिया गया है। मारथन कंपनी के बारे में आपको बताया भी था दोस्तों, ये वो कंपनी होती है जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा होता है और मुनाफा 5,000 करोड़ होता है, तो कहलाती है आपकी मारथन। और एक होती है दोस्तों नवरत्न, नवरत्न के बारे में भी आपको बताया था, नवरत्न वो होती है जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ होता है और मुनाफा 1,000 करोड़ होता है।
और उसके अलावा होती है मिनी रतन, ध्यान रखना मिनी रतन। मिनी रतन क्या होती है, जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ से कम होता है, मुनाफा 1,000 करोड़ से कम होता है, प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। अरुण कुमार को इसका अध्यक्ष भी काम करेंगे और ये प्रबंध निदेशक का भी इसके अंदर काम करेंगे। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1952 में और इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की गई है, ये राज्य है दोस्तों दिल्ली। अभी आपको याद है कोविड की महामारी चल रही है हर जगह, आपको याद है ऑक्सीजन मतलब मेडिकल किट वगैरह की काफी किल्लत आ रही है, तो उसमें वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये एक शुरू करिए कोवी वैन। किसने शुरू करी है दोस्तों, दिल्ली ने। और आपको याद हो कोविड से जुड़े हुए क्वेश्चन से मैंने आपको पहले बताया था, एक था करनाल शहर, याद आ रहा है दोस्तों करनाल ऑक्सीजन ऑन व्हीकल शुरू करा था, और एक बताया था मैंने आपको मुंबई वैक्सीनेशन ऑन व्हील, याद है मुंबई बताया था आपको, और एक कंपनी महिंद्रा जिसने शुरू करा था ऑक्सीजन ऑन व्हील केवल महाराष्ट्र के लिए, राइट, याद हो तो आपको, ये इसके बारे में कोरोना से संबंधित ये क्वेश्चंस थे। तो ध्यान रखना दिल्ली ने शुरू करी है कोविवैन वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के लिए, याद रखना वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे हैं, जो उनकी आवश्यक जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनके लिए शुरू की गई है ये वरिष्ठ नागरिक के लिए कोवी वैन, ध्यान रखना 011 और 2624 1077 और 76, राइट, ध्यान रखना दोस्तों ये दिल्ली की कोवी वैन, ये आपको दिख रही होगी एसयूवी महिंद्रा एसयूवी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी के द्वारा ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया गया है, लाइव वायर ध्यान रखना दोस्तों इस कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है लाइव वायर, याद रखना जो 2019 में आई थी लाइव वायर, उसी के नाम पे अलग से इलेक्ट्रिक डिवीजन बनाया इस कंपनी ने, इस कंपनी का नाम है हार्ले डेविडसन ने भी घोषणा भी करी थी कि इंडिया में अपना कारोबार बंद करने वाली है, और ये हार्ले डेविडसन की जो ये कंपनी है आपके ध्यान रखना लाइव वायर, ये अलग से एक इलेक्ट्रिक वाहन डिवीजन बनाई गई है हार्ले डेविडसन के अंदर, अलग से इलेक्ट्रॉनिक वाहन जितने भी बनेंगे वो डिवीजन इसके अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि 2019 में पहली ये इसकी इलेक्ट्रिक बाइक आई थी, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक आई थी इसकी पहली लाइव वायर, किसकी कंपनी है हार्ले डेविडसन, इसकी स्थापना 1903 में और इसका मुख्यालय दोस्तों यूएसए में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमेन बरगोहाई का संबंध किस क्षेत्र से था, होमेन बरगोहाई इनका हाल ही में निधन हो गया, ये आपके पत्रकार थे और एक साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे, असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे, और इनको 1978 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, असमिया भाषा के लिए, याद रखना 1978 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार असमिया भाषा के लिए इनको दिया गया था, ये पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और स्विस की कौन सी वित्तीय वार्ता का वर्चुअल आयोजन किया गया है, ये वित्तीय वार्ता जो की गई है ये अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन तकनीक किस तरीके से उपयोग की जाए इसके अंदर, डिजिटाइजेशन को वित्तीय मामलों में किस तरीके से उपयोग किया जाए, अर्थव्यवस्था में किसका कैसे उपयोग किया जाए, और भारत और स्विस के बीच वित्तीय कारोबार किस तरीके से बढ़ाया जाए वो इसके अंदर डिस्कस किया गया था, ये जो थी इसकी चौथी वार्ता थी, याद रखिए ना ये थी इसकी चौथी वार्ता, और इसमें भारत की तरफ से लिया था अजय सेठ ध्यान रखना आर्थिक मामलों के वित्तीय सचिव है, याद रखना आर्थिक मामलों के वित्तीय सचिव, और स्विट्जरलैंड की तरफ से लिया था, ये थे आपके स्विस की तरफ से, स्विट्जरलैंड की तरफ से डेनियल स्टॉफेल,
डेनियल स्टॉफेल, याद रखिएगा डेनियल स्टॉफेल, इन्होंने हिस्सा लिया था, स्विट्जरलैंड का रिप्रेजेंट इन्होंने करा था। और भारत की तरफ से अजय सेठ, वो थे आर्थिक मामलों के सचिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया है, किस सेनानी का हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है अनूप भट्टाचार्य, याद रखिएगा अनूप भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो थे आपके एक स्वतंत्र सेनानी थे, और ये ध्यान रखना अनूप भट्टाचार्य ये आपके स्वादी बंगला बेहतर केंद्र के संगीतकार भी थे और रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी थे। और 1971 के दौरान मुक्ति युद्ध सेनानियों में को इन्होंने प्रेरित करा था। याद रखना दोस्तों, क्या नाम है इनका, अनूप भट्टाचार्य, राइट। 1971 आपको याद आ रहा हो दोस्तों, बांग्लादेश याद आ रहा हो डिटेल से। इस साल का जो वर्ष 21/22 का वो बनाया गया मुर्जिब वर्ष के तौर पे। अगर आपने केबीसी देखा हो, केबीसी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट देखिए किस कंपनी द्वारा यूएसए से 12 सिंगापुर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा शुरू की गई है। कहने का मतलब है कोई बंदा यूएसए में है, यूएसए से पैसे भेजना जाता है, मतलब प्रेषण बोलते हैं रेमिटीज, पैसे भेजना जाता है, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग ले सकता है। भारत और सिंगापुर में वो पैसे भेज सकता है। कंपनी का नाम है गूगल पे, याद रखिएगा गूगल पे। गूगल पे ने दो कंपनियों के साथ करार करा है, वो दो कंपनियां है दोस्तों, एक तो वाइस और एक वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ इसने करार करा है, जिससे यूएसए के अंदर जो है उपयोगकर्ता वो भारत और सिंगापुर में ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भुगतान ऐप करता रेमिटेंस फर्म, यहां देखना रेमिटेंस को बोलते हैं प्रेषण फर्म, इसको बोलते हैं प्रेषण फर्म, जो वाइस और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ करार किया है, जिसमें भारत और यूएसए में यह पैसा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए किस अर्जुन पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम है वी चंद्रशेखर, याद रखिएगा। ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, याद रखना। ये थे नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर वी चंद्रशेखर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये तमिजागा टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष भी थे। ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में, याद रखिएगा, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, वी चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नए 10 मजेदार क्वेश्चन के साथ और मजेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।